सामने हम उनसे मिले हैं। लाइट का बहुत इशू था हमें, लाइट बहुत ज़्यादा कम है हमारी। ये सब लोग जो मेरे साथ आए हैं, ये मुस्तक भैया भी हैं, इन्होंने भी हमारा साथ दिया। तो हम चाहते हैं कि हमें लाइट जल्द से जल्द ट्रांसफर, हमें नया मिलना चाहिए जिससे हमारी लाइट ठीक हो जाए। तो हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हैं, ये बुज़ुर्ग महिला आई हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, वो भी हम साथ लेके आए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। गर्मी में सांस लेना कितना मुश्किल है, बाहर पेड़ों के नीचे गुजारते दिन रात गुजारनी मुश्किल है हमारे लिए। इमरजेंसी एरिया है, हम बाहर भी नहीं रुक सकते, अंदर कोई कितने रह सकता है। इसलिए मैं डी साहब से ये गुजारिश फिर से करती हूँ कि 6 महीने के अंदर ही जल्दी जल्दी हमारा काम होना चाहिए, हमें नया ट्रांसफार्म जल्दी इशू करवा दें। गर्मी तंगी है असें बहुत ज़्यादा, लेकिन बच्चे साढ़े बहुत दुखी, दिन तो अस कड़ने बूटे ने थले भी है, लेकिन रात अस किस तरह कड़ा, रात तो बिल्कुल नहीं निकली, बच्चे बहुत बुरी दशा ने तड़फने। कदों की प्रॉब्लम है? ये कम से कम दो तीन साल हो गए, दो तीन साल हो गए, और बहुत मुश्किल से है, ना पानी, लाइट होती नहीं है बिल्कुल, स्टाफ लेजर जो है बिल्कुल उसको उठाता ही नहीं है, लाइट को बिल्कुल लो वोल्टेज है। महकमे वाले आखे सो कदा? महकमे वाले बड़ी बारी आखे, बड़ी बार बोला है, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मजबूर होके आए। महीने बिल आता है जी, 1500 आ गया, 2000 आ गया, 1000 आ गया, महीने के महीने देते हैं, और नौकरी भी नहीं कोई करता, किसके लिए बिल दूं, लाइट तो मिलती नहीं है। दिलाया बोले देंगे, 6 महीने लगेंगे, 6 महीने बच्चों का क्या होगा, बच्चों की तो बहुत मुश्किल है। सबसे पहले मीडिया फैसिलिटी का, कि आप हर वक्तन फवक्तन हमारे जो लोगों की डिमांड है उनको एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों में पहुंचाते हो, और आप डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर हो, और आए दिन आप जो हमारा डूंगी नाला है उसकी मैक्सिमम आप कवरेज देते हो, तो मैं उसके लिए आपका बहुत मशहूर और शुक्रगुजार हूँ। आज जो हमारे डेपुटेशन था ये अग्राती नॉर्थ पंचायत वार्ड नंबर 6 से लगभग ये जितनी महिलाएँ हैं मेल फीमेल मेंबर को 30 बंदे हम जो डी साहब को मिले हैं। हमारा बर्निंग इशू यही था कि हमारे लो वोल्टेज है लाइट की, तो ट्रांसफार्म जो था वो वहाँ पे नहीं था, तो इस गर्मी की शिदत में आए तो थोड़ा तो बारिश हो गई, लेकिन फिर भी इतने वहाँ से गर्मी की वजह से बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, इन्वर्टर जो है वो चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए हमने डी साहब से मिला और डेपुटेशन लेके कि भाई हमें एक ट्रांसफार्मर की जरूरत है, और उन्होंने कहा है कि इस बार जो PRI कैपेक्स का जो प्लान बनेगा, क्योंकि इस वक्त पंचायत बॉडी जो वो डिजॉल्व है, तो वो जो प्लान है वो DC साहब की देखरेख में बनेगा। तो हमें पूरी उम्मीद है डी साहब से कि जिस डी साहब हमसे मिले हैं कि ये जो हमारा ट्रांसफार्म जो है वार्ड नंबर 6 में लेट जो जगदीश राज जी हमारे स्वर्गवासी उनके मोहल्ले के नज़दीक जो ये लग जाए, तो ये जितने भी लोग हैं सारे कवर हो जाएंगे, उसके लिए आज हम डी साहब का शुक्रगुजार हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया और हमें यकीन है कि जो बात उन्होंने कही और हमें ये ट्रांसफार्म मिल जाएगा। हमारे सिटी में लाइट की बहुत दिक्कत है, वो 0 पॉइंट आता है वहाँ, इसलिए बहुत परेशानी बढ़ रही है, बच्चे निकाल लेते हैं, बहुत मुश्किल है, इसलिए हम